हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? बढ़िया, चलिए पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किस लिए? पता है किस लिए? पास्ट ईयर प्रॉब्लम के लिए। पास्ट ईयर प्रॉब्लम की ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंदर मैं आज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ। यस, बच्चे मैक्सिमम वेट ही कर रहे होते हैं इस चैप्टर का। यस, चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई, आप मेरे साथ पास्ट ईयर सीरीज में जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पूरा कोर्स रिवाइज कर चुके हैं, ये चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सिर्फ पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो पास्ट ईयर के अंदर चलिए देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले सारी क्वेश्चंस करेंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले देखो हमारे पास, देख लो हमें क्या क्या कवर करना है इसमें। इसमें हमारे पास ये सारे पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स और पिछले 10 अटेम्प्ट के हमने क्वेश्चंस इसमें कवर करने हैं कम से कम। अब आइए आप मेरे साथ साथ। सबसे पहले वो कहता है स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का ये जो क्वेश्चन आता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का, उसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट थियोरेटिकल चैप्टर है वहां से, थियोरेटिकल चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर 9 यूनिट है, उन यूनिट से तो क्वेश्चन बनता ही है। उसके अलावा अलग अलग चैप्टर्स से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से आ गया, इस चैप्टर से 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको रिसीव हुई है तो वो कह रहा है क्या ये रेवेन्यू रिसीप्ट्स है एज इज ऑफ रेकरिंग नेचर। तो अब इसका जवाब आपको देना है कि भाई ये लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। तो पहली चीज, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है, सर मेंबर ने एक ही बार पे कर दी और अपनी लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार पे करके मेंबरशिप अवेल कर ली, अब वो बार बार तो पेमेंट करेगा नहीं। तो यहां पर देखो, जरा इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, यहां पर लिखा है इज ऑफ रेकरिंग नेचर। नहीं, ये तो नॉन रेकरिंग नेचर हो गई। क्या ये रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं, ये इसीलिए कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो इसका मतलब आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? फॉल्स। अब खाली फॉल्स लिखने से भी काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर लिखना है, जैसे देखो सॉल्यूशन भी देख लो, फीस रिसीव फॉर लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप इज अ कैपिटल रिसिप्ट, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। एज इट ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, ये कौन सी है? नॉन रेकरिंग नेचर की है। और सर कैपिटल रिसिप्ट जो होती है वो कोई आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती, वो तो डायरेक्टली कहां चली जाती है? कैपिटल फंड में या आपका जनरल फंड। इसका मतलब ये जो रिसिप्ट हो गई, इसकी एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फीस, और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड, और इसे कैपिटल फंड में आप ऐड कर देंगे। यहां तक की बात सबको समझ में आती है? तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन था नवंबर 18 में 2 मार्क्स का आया था। अब आप चल रहे हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी नवंबर 18 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ है? 10 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लो आप, देखो क्या क्या चीजें दी हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग, बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017, बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है, कैश इन हैंड, और ये एसेट्स हो गई, तो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा लेना, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट का पैसा लेना है हमारे पास 2400 रुपए। फिर दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन और संडी क्रेडिटर्स। और आप इधर देखें, इधर देखो, इधर देखो, आपको दे रखा है सबसे पहले रिसिप्शन पेमेंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस है। सब्सक्रिप्शन 3 साल की दे रखी है 17, 18, 19, आपका ईयर कौन सा है? 2000 31 मार्च 18। आप करंट ईयर कौन सा है? आप जिस ईयर के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं ये आपका करंट ईयर है 2018।
और आपके पास 17 की भी है रिसिप्ट, 18 की भी है, 19 की भी है, तीनों साल की रिसिप्ट है, एंट्रेंस फीस, लॉकर रेंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर रद्दी को बेच दिया और उससे जो रिसिप्ट हुई, मिसलेनियस इनकम। नेक्स्ट, इसके बाद पेमेंट साइड पे, पेमेंट साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लैंड दे रखी है, इंटरेस्ट, लैंड एंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आपको, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बाद क्लोजिंग कैश का बैलेंस है 18,300 रुपये। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए सबसे पहले यहाँ वो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। और आपको यहाँ पर जो भी कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी वो आपका आंसर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो नीचे देखो सॉल्व भी करा हुआ है, लेकिन पहले मैं मेन मुद्दे आपको इसमें डिस्कस कर दूं। मेन मुद्दे मतलब ये कि जैसे क्वेश्चन अब आप सबके पास अवेलेबल है, मैं फिर एक बार चेक करा दूं आपको, हमारा क्वेश्चन है नवंबर 18 10 मार्क्स का। ठीक, अब इसके अंदर अगर मुझे क्वेश्चन में वर्किंग करनी हो तो सबसे मेन मुद्दा आता है, बच्चों को दिक्कत आती है किस में, सब्सक्रिप्शन। यस, सब्सक्रिप्शन का सर बड़ा बड़ा पॉइंट होता है, तो मैं उसको, ये लो आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये है हमारा कंबाइंड अकाउंट। ये मेरा वर्किंग नोट में बन रहा है, ये मेरा बन गया वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा है, तो जो पैसा सब्सक्रिप्शन का है उसके लिए मैं एक अकाउंट बना के फिर यहीं से आपको वर्किंग समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले सब बच्चे देखें ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन के लिए क्या क्या अमाउंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी हुई है आपको, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3800, ये है आउटस्टैंडिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन 6000 रुपये, ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटी। अब जरा सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ें, आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी दे रखी है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखी है 24000 रुपये। तो देखो कैश टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये मेरे पास आ गई 24000 रुपये। बस और तो सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ दिया नहीं है। अब आप सब बच्चे इस डिटेल को पढ़ें, 24000 को पढ़ें। सर कैसे पढ़ें, अरे मैं पढ़वाता हूँ ना, आप पढ़ना मेरे साथ। सबसे पहले साल के पहले दिन आपको कितने पैसे लेने थे, 3800 रुपीज़ लेने, 3800 रुपीज़, उसमें से कितना पैसा आपको मिल गया, 2000 रुपये मिल गए। इसका मतलब करंट ईयर एंड में, करंट ईयर एंड में भी बाय बैलेंस कैरेट डाउन आउटस्टैंडिंग, और कौन से ईयर का, 2017 का, अभी भी आपको कितना पैसा लेना है, 1800 रुपये लेने हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, 3800 रुपये साल के पहले दिन लेने थे, उसमें से 2000 मिल गए, 1800 रुपये अभी भी पेंडिंग है। अब 2018 के आपको 21000 रुपये लेने हैं, वो कोई बात नहीं, वो तो इसमें आ ही गए हमारा। अब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो गया, नेक्स्ट ईयर का टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिला आपको, और ये है 2019 का, कितना पैसा मिल गया, ये मिला है आपको 1000 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर का ये भी आ गया, सब्सक्रिप्शन की डिटेल भी मैंने पूरी तरह पढ़ ली। अब इधर देखें सब बच्चे, इधर देखो, ये देखो मेरा सब्सक्रिप्शन के अकाउंट का मैं टोटल लगा देता हूँ, लगाइए टोटल, टोटल क्रेडिट साइड का टोटल है 31800, डेबिट में भी लिख लो आप 31800, इसमें से 4000 ये माइनस करो, 4800 माइनस करो, तो आपके पास आ गया 27000 रुपये। सर ये 27000 रुपये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर,
ठीक है, अब आप इसको जरा चेक कर लो, आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें देख लो, आपके पास ये दो फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में जानी चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में चली गई, कौन कौन से अमाउंट, ये जो अमाउंट है इधर देखो, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी में आ गई। ये कैश तो सर ये पहले से ही रिसीप्शन पेमेंट में गिवन है, बट अब इन तीन चीजों की प्रेजेंटेशन आपको मैं चेक करा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में कितना आना चाहिए, 27,000। ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इधर देखो 27,000। अब सही है, अब दिख रहा है, अब क्लियर, ये लो अब 27,000 रुपये आपके पास, ये देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 27,000। और आप ये देखो इसमें बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल की रिसीवेबल थी वो कितनी है, 1,800 रुपये। ये देखो ये 1,800 रुपये आ गए, ये आ गए 1,800। और इसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड इन एडवांस थी 1,000 रुपये, वो ये आ गए, ये 1,800 रुपये आ गए। ठीक है, बात खत्म, चलें अब आगे नेक्स्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में ये आ गए, ये लो जी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में देखो आप, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट सॉल्व हो चुका है, अब बात करते हैं एंट्रेंस फीस की। तो बेटा एंट्रेंस फीस के लिए ये 38,000 जो रिसिप्ट साइट पे एंट्रेंस फीस दी है, क्या इसने क्वेश्चन में हमें कुछ लिख के दिया? सर इसने हमें क्वेश्चन में कुछ भी लिख के नहीं दिया। तो एंट्रेंस फीस के लिए हम इसको क्या मानते हुए चलते हैं, हम इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइज्ड। सर कैपिटलाइज करेंगे तो क्या होगा, कैश टू एंट्रेंस फीस एंट्री हो चुकी है, एंट्रेंस फीस को आप सब्सक्रिप्शन जो इसको आप मानोगे कैपिटलाइज, तो कैपिटल फंड में ले जा करके ऐड कर दो, मतलब एंट्रेंस फीस टू कैपिटल फंड। मैं चेक करा देता हूँ आपको 38,000, ये देखो 38,000 आपके पास कैपिटल फंड में ऐड हो गई ना, ये 38,000। तो ये कैपिटल फंड का भी पार्ट हमारा क्लोज हो गया, हम रिसिप्शन पेमेंट से रिसिप्ट साइड से चल रहे हैं। एंट्रेंस फीस के बाद है सर लॉकर रेंट, हाँ सर लॉकर रेंट है हमारे पास 7,000 का, तो क्या इसके लिए कुछ दिया है, यस दिया है। ऊपर देखो बैलेंस शीट के अंदर 2,400 रुपये आउटस्टैंडिंग था लॉकर रेंट का, तो सर लॉकर रेंट का अगर रिसीवेबल था 2,400 रुपये और जो करंट ईयर में हमें पैसा मिला है टोटल लॉकर रेंट का 7,000, तो इस 7,000 में से 2,400 तो यही वाला होगा। इधर देखो इस 7,000 में 2,400 रुपये तो पिछले साल का है, तो वो जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है वो इसमें से माइनस करो, तो 7,000 में से अगर आप 2,400 रुपये माइनस करोगे तो बाकी का जो अमाउंट आ गया वो आपकी क्या चीज़ बन गई, करंट ईयर की इनकम, तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। मैं चेक करा देता हूँ आपको, 7,000 में से ये देखो इधर देखो 7,000 में से 2,400 रुपये माइनस करें तो कितना आ गया, 4,600 रुपये, ये मेरे पास करंट ईयर की इनकम आ गई, लॉकर रेंट का पॉइंट खत्म। अब वापिस आ जाओ, वापिस देखो इधर लॉकर रेंट के बाद है सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 रुपये, तो ये 1,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। तो कैश टू सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और ये सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये देखिए यहाँ पर इनकम में आ गए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। इसी तरह मिसलिनियस इनकम, ये भी कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये देखिए 9,000 रुपये हो गए, पार्ट कंप्लीट, रिसीप्ट साइड कंप्लीट हो गई, मैंने आपको चेक करा दिया ये क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंसेस के अंदर आपको दो तरह के खर्चे दे रखे हैं पेमेंट साइड पे, 2017 का 12,000 जो पेमेंट की गई है और 2018 का 32,000, ये एक्सपेंसेस में आपको पेमेंट साइड पे दे रखा है। अब सर इसका करेंगे क्या, तो बेटा ये जो एक्सपेंसेस हैं
कितने के? 2018 के 20,000 रुपये और टोटल 32,000, ये इस तरह से है। ये किस तरह से है मैं सही कर देता हूँ, ये लो आपके लिए 2018 का अमाउंट है 20,000 रुपये, ये नीचे आ गया है और ये हो जाएगा टोटल 32,000 रुपये। ठीक है, अब समझ में आया? तो सर अब करें क्या इसका? तो सुनो सुनो, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन चेक कर लिया, क्वेश्चन में करेक्शन चेक कर ली, ये थी 2018 की 20,000 रुपये और 17 के 12,000, टोटल हो गए 32,000। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 14,000 रुपये दे रखे हैं, ये देखो, उसमें से आपने 12,000 रुपये लास्ट ईयर के पे कर दिए, ये लास्ट ईयर के थे, ये देखो 31 मार्च 2017 की ये बैलेंस शीट है। ठीक है, तो उसमें से आपने कितने रुपये पे कर दिए? उसमें से आपने पे कर दिए 12,000। तो 14,000 में से 12,000 अगर आपने पे कर दिए तो 2,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गए, अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गए। तो अब आप क्या करोगे इसको, 2,000 रुपये को बैलेंस शीट में दिखाओ, ये देखो 2,000 रुपये अभी भी बैलेंस शीट में आ गए, ये आ गए, खत्म बात। चलो ये सब हटा दो, और जो ये 20,000 रुपये हैं जो करंट ईयर के, ये 20,000 रुपये आपके एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ये लो एक्सपेंसेस में 20,000 रुपये, एक्सपेंसेस का पॉइंट खत्म। चलिए जी और आगे चलते हैं अब इसमें। हाँ सर, यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया। अब आती है बात लैंड की, लैंड दे रखा है 4,000 रुपये, तो लैंड के लिए एक बार आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ दिया है, यस लैंड लैंड आपको दे रखी है कितने की? ये लैंड है, इसको भी सही कर लेना बेटा साहब, ये लैंड 4,000 रुपये की नहीं है, ये 40,000 की है, ये इंटरेस्ट 4,000 का है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700 के हैं और कैश का बैलेंस है 8,300। तो आपके पास बिल्डिंग देखो पहले से ही 50,000 की है, इस समय देख लो स्क्रीन पे देखो, बिल्डिंग 150,000 की है, 40,000 रुपये का लैंड उसमें और ऐड करोगे तो टोटल लैंड एंड बिल्डिंग हमारी न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी 190। ठीक है, तो मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग, ये देखिए ये हमारी न्यू बैलेंस शीट है, तो इस न्यू बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग 190 की आ गई। ठीक है, पॉइंट खत्म। चलो अब आगे और देखो, चलो अब आगे नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की पेमेंट की है आपने 4,000 रुपये की, तो बेटा इंटरेस्ट तो एक्सपेंस है, तो आप इसको एक्सपेंस में दिखाओ 4,000 रुपये, ये देखो इंटरेस्ट आ गया एक्सपेंस में 4,000 रुपये। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,700, ये भी एक्सपेंडिचर में आएंगे, ये 4,700 के एक्सपेंस में आ गए। वापिस जाओ, हम तो रिसिप्शन पेमेंट से चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या बचा सर? 18,300 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस बचा कैश का, ये बताए आपको कहाँ जाता है? यस, बैलेंस शीट में, तो ये लो बैलेंस शीट में ले जाओ इसे, बैलेंस शीट के अंदर देखो ये आ गया 18,300 रुपये कैश का बैलेंस। तो एक बात आप चेक कर लो, आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरी तरह ख़त्म, मैंने सारी चीज़ें आपको चेक करा दी, डेबिट भी और क्रेडिट भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट ख़त्म। अब आपके पास क्या क्या चीज़ें बची हैं एक बार इधर देखो, बैलेंस शीट से कुछ चीज़ों को आप फॉरवर्ड करेंगे। देखो सबसे पहले 1,06,200 रुपये का कैपिटल फंड जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में है, सेम एज इट इज दिखा दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, 1,06,200 ये आपके पास आ गया, ये रहा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपके पास सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, लोन दे रखा है 40,000। अब लोन दिया है 40,000, इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन तो हमने पूरा कर लिया, तो लोन का क्लोजिंग बैलेंस भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाएंगे,
ये लो जी, लोन का क्लोजिंग बैलेंस 40,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन हो गया। अब लोन के बाद नेक्स्ट देखो, संडी क्रेडिटर्स 10,000 रुपये के। अब बेटा जो क्रेडिटर्स अगर आपको 10,000 रुपये के दे रखे हैं तो इसके लिए आपको कुछ दिया, चेंजेस बताए उसने, कुछ बताया इनकी पेमेंट कितनी कर दी, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस में तो कोई चेंज ही नहीं आया। अगर कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब अब आप क्लोजिंग में भी क्रेडिटर्स सेम वैल्यू पे दिखाओ। ये लो 10,000 रुपये के क्रेडिटर्स आ गए। दिया नहीं ना उसने कुछ, या तो पे कर दिया आपने, ऐसा कुछ दिया नहीं उसने। और चलो अब एसेट्स में आ जाओ, बिल्डिंग हो चुका, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो चुका, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हो चुका, कैश का ये 20,000 का बैलेंस आपका ऑलरेडी रिसीप्ट साइड पे आ चुका है। अब आप यहाँ पे सबसे पहला काम इसे क्लोज करो, किसको? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देख लो, अब आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं, बाकी का बैलेंस आ गया सरप्लस, और ये जो सरप्लस है ये कहाँ ट्रांसफर होता है? कैपिटल फंड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से ये जो सरप्लस 12,900 आया, ये देखो कैपिटल फंड में ऐड हो गया, और आपके पास 157,100 आउटर कॉलम में कैपिटल फंड आ गया। और आप बैलेंस शीट का टोटल करो, तो बैलेंस शीट का टोटल सब बच्चे करें जल्दी से, कितना आ रहा है? दो लाख दस हजार सौ रुपए। ये आप सबका बैलेंस आ गया या नहीं बताओ जल्दी, आ गया? चलिए हो गया ना। अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। क्वेश्चंस तो कई हैं हमारे पास, ये नहीं सारे करेंगे। चलो निकालो, देखो चलो ये करते हैं क्वेश्चन, जुलाई 21 में आया हुआ है, जुलाई 21 में 10 मार्क्स का आया है, जिसके अंदर आपको दे रखा है समरी ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ईएमई सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आर एस फॉलोस। ये बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है, इसमें आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट की बने एक बार पढ़ लो आप, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड डोनेशन, फिर दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, डोनेशन दिस फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% दैट इज 90,000, चैरिटी शो कलेक्शन 1,25,000, और पेमेंट साइड पे पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, सैलरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट परचेज और चैरिटी शो एक्सपेंसेस। तो बेटा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको गिवन है, और इसमें आपके पास नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जिसमें 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021, ये दो सालों की आपको इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, स्टॉक ऑफ मेडिसिंस, मेडिसिंस से रिलेटेड आपको स्टॉक भी दिया, स्टॉक मेडिसिन से रिलेटेड तो आपको ऊपर भी कुछ दिया था, मेडिसिन से रिलेटेड नहीं, ऊपर आपको कुछ भी नहीं दे रखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और नेक्स्ट बस पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई है 3 लाख रुपए, उसको आपको देखना होगा। चलो अभी देखते हैं और क्या दे रखा है, अमाउंट ड्यू स्टॉक ऑफ मेडिसिन के अलावा, जैसे 1 लाख और हमारे पास 1,50,000, ये दो आपको मेडिसिन के स्टॉक के बैलेंस हैं। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई 90 एंड 130। अमाउंट ड्यू का मतलब मैं कह सकता हूँ क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई, ओपनिंग के अंदर कितने 90 के और क्लोजिंग में 130 के। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ओपनिंग में भी है क्लोजिंग में भी है, और इक्विपमेंट परचेज भी थे करंट ईयर में 1,50,000 के। हाँ तो अभी देखते हैं इसका क्या करना है। फिर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग,
वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 5 लाख, फिर कितनी हो गई 4,80,000। भाई क्यों हो गई 5 लाख से 4,80,000? सर डेप्रिसिएशन लगा होगा अगर कुछ भी नहीं दिया तो। इसमें कैश बैलेंस ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और ओपनिंग का कैपिटल फंड भी आपको दे रखा है। तो आपको 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बनानी है। लिखा है ये देखो पढ़ो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये लो जी मैं करा ही देता हूँ इसको क्वेश्चन को। आप बनाओ इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट क्रेडिट। और क्या बनाना है आपको इसमें? बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ AME सोसाइटी। एज एट 31 मार्च 2021। एसेट्स और लाइबिलिटीज। चलो जी बेटा शुरू करें इस क्वेश्चन को। ये आपके पास फॉर्मेट बन गया और आपके पास क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल है। मैं करा रहा हूँ जुलाई 2021, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये जो एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जुलाई 21, 10 मार्क्स। ठीक, अब सबसे पहले आप देखिए इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव। हाँ जी बेटा, सब्सक्रिप्शन कितने का रिसीव हुआ है हमें? सब्सक्रिप्शन हमें 5 लाख रुपए का रिसीव हो गया। ये लो जी, ये मैंने वर्किंग नोट में आपके पास स्पेस छोड़ देना। ये जैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बना रहे हैं, ये लो मैं और स्पेस छोड़ देता हूं वर्किंग नोट नंबर 1। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंबाइंड अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ? तो बेटा सब्सक्रिप्शन के लिए सब बच्चे इधर देखो, 1% भी दिक्कत की बात नहीं है सब्सक्रिप्शन के लिए। बस आप मुझे इन्फॉर्मेशन बताते जाओ। सबसे पहले आप ये चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में कितना दे रखा है। सर 15,000 रुपये। तो ये पैसा आपको लेना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग 15,000। ठीक, चलो अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग 22,000। बेटा आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन मेरे साथ कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? मतलब ये तो चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं तभी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे चल रहे हैं, मेरी ये अजम्पशन है। और दूसरी चीज ये कि आप इसके अंदर करने का तरीका भी समझ रहे हैं कि भाई कैसे करते जाएंगे क्वेश्चंस को, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को।
क्योंकि आपको एग्जाम में किसी को समझाना नहीं है, अब यहाँ देखो रुक करके मेरे को समझाना पड़ रहा है, वहाँ तो आप क्या करोगे, फ्लो में फटाफट अपने आप सॉल्व करते जाओ, बट हमें तो यहाँ वीडियो बनाते समय या इसको क्लास लेते समय ये चीज़ देखनी है कि बच्चों को भी साथ में समझाना है कि भाई किस तरह से मूव करेंगे बच्चे इसमें। चलो अब देखो जरा इसमें, तो सब्सक्रिप्शन की बात चल रही थी, सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया, अब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एडवांस, साल के पहले दिन कितना है एडवांस 12,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,000। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ वो रिसीव साइट पे देखो 5,00,000 रुपए, सब्सक्रिप्शन 5,00,000 रुपए का रिसीव हो गया। अब आप यहां से बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब जरा आप टोटल लगाएं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ 5,34,000, क्रेडिट साइड का टोटल जो हमारे पास आ रहा है वो है 5,34,000, और इस 5,34,000 में से माइनस कर दो 22,000, तो ये आ गया 5,12,000। ठीक है, अब ये बन गया, अब इसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ, बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट 1 और अमाउंट कितना आया था 5,12,000। अब आपको इसमें बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है, इसमें आपको मांगी गई है ना, वो कहता है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए, ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है उसमें, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो अब बताइए क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें लिखोगे, ये दोनों बैलेंस 22,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एसेट्स में लिखो, लिखो जल्दी से एसेट साइड लिखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यह जाएगा 7,000। हो गया सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कंप्लीट, नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन में देखो आपको रिसीप्ट साइड पे जो दे रखा था अब वो कहता है डोनेशन रेज, डोनेशन रेज ये वाला पॉइंट पढ़ो, सब बच्चे पढ़े, डोनेशन रेज फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसका मतलब पता है क्या है, जो एंटरप्राइज को डोनेशन मिली कितने की मिली 1,50,000 की, और वो इनकी रेवेन्यू है इनकम है, तो बाय डोनेशन, बाय डोनेशन 1,50,000, इसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दो, इनकम एक्सपेंडिचर में बाय डोनेशन यहां जाए, बाय डोनेशन 1,50,000। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% 90,000। अब ये देखो जो इन्वेस्टमेंट है इससे आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 90,000 जो कि 9% है। अब सुनो इधर देखो, समझो जरा, अब आपको 9% इंटरेस्ट मिला है जो कि 90,000 रुपये है, तो सर इससे क्या करें, इससे आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल दो, कैलकुलेशन ऑफ
वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट मिला 90,000 डिवाइडेड बाय 9 × 100, ठीक है? तो इसे सॉल्व करो, ये आता है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का 9% कैलकुलेट कर लो, 90,000 ही आएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जाएगी एसेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाओ कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, 9%। इसका अमाउंट आ जाएगा 10 लाख, और जो 90,000 का ब्याज है वो आप इनकम में दिखाओ बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 90,000। बात खत्म, इंटरेस्ट भी हमारे पास हो गया। चैरिटी शो कलेक्शन, अब आप ये देखो चैरिटी शो कलेक्शन 1/25, ये पढ़ाते समय भी मैंने बताया था आपको कि ये रिसिप्ट साइट पे दे रखी है, लेकिन इसके सामने चैरिटी शो एक्सपेंस भी है 15,000 रुपए के। तो इनको आपको नेट एक ही जगह दिखाना है, नेट एक जगह से कैसे दिखाए, कलेक्शन जा रहा है तो कलेक्शन जा रहा है तो इधर देखो बाय चैरिटी शो कलेक्शन, और इसका अमाउंट लिख लो आप 1,25,000, और इसमें से माइनस करो चैरिटी शो एक्सपेंसेस, ये 15,000 माइनस करोगे तो नेट कितना आ गया, 1,10,000। 1,10,000 रुपए ये आपके पास टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आप ये देखो आपके पास रिसीप्ट साइड हो गई कंप्लीट, अब आ जाइए आप पेमेंट साइड पे, ठीक है? चलो अब पेमेंट साइड पे, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 3 लाख। सर हाँ, इसके लिए बताइए, इसमें तो स्टॉक भी दिया हुआ है आपको, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखी है, इसके अलावा क्रेडिटर का भी बैलेंस दे रखा है, तो इसके लिए हम वर्किंग कैसे करें? तो बेटा इसके लिए बहुत आसान है वर्किंग, वर्किंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना सब बच्चे, इधर देखो, मेडिसिन अकाउंट कंबाइंड, कंबाइंड मतलब इसमें मैं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का भी अकाउंट बना दूंगा, मैं स्टॉक का भी अकाउंट बना दूंगा, अगर कोई प्रीपेड है क्रेडिटर के अलावा अगर कुछ प्रीपेड भी होता तो वो भी इसमें एडजस्ट हो जाता, इसलिए मैंने इसको नाम दिया कंबाइंड। पहले मैं कंबाइंड अकाउंट बना दूं, इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, फिर उसको प्रोसेस कर दूंगा, जो भी इनकम में एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जा रहा है। अब मेरे साथ साथ समझते हुए चलना क्या चीज है। सबसे पहले बैलेंसेस में पढ़ो, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है वो सर एसेट से डेबिट बैलेंस होगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक, और इसका अमाउंट है 1,00,000 रुपए बाय बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। फिर इसके अलावा अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई मतलब ओपनिंग क्रेडिटर, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिटर्स, यह है 90,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है,
क्रेडिटर्स तो 90,000 और क्लोजिंग आ जाएगा 1,30,000। ठीक है, चलो अब मेडिसिंस के रिगार्डिंग आपको देखो पेमेंट कितनी लिखी है। मेडिसिंस के रिगार्डिंग 3 लाख रुपए की पेमेंट है, तो इसकी एंट्री मेडिसिंस टू कैश। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास क्या आ जाएगी, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आपके पास मेडिसिंस के रिगार्डिंग आपके पास खर्चा जाना है। ठीक है, हाँ, जो मेडिसिंस कंज्यूम हो गई उसका अमाउंट आ जाएगा ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू मेडिसिंस, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो चलो अब इसमें देखो 3 और 1 4 5,30,000, यहाँ भी 5,30,000, और 5,30,000 में से आप माइनस कर दो 2,40,000, तो ये आ गया 2,90,000। ये लो जी बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गई 2,90,000। बन गया मेडिसिंस का अकाउंट, समझ में आ गया, ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइब्रेरी क्लोजिंग लाइब्रेरी। अब आपके पास इसको प्रोसेस कर दो, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप लिखो, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिंस 1,00,000 रुपए, कितना था, एक था 1,50,000 था, 1,50,000, ये 1,50,000 है। फिर इसके बाद आप लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1,30,000, ये देख लो आपके पास ये आ गए क्लोजिंग बैलेंस। अब आपके पास देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था, ओपनिंग दोनों बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाते वो बनाने नहीं, कैपिटल फंड गिवन है बस। अब आप इनकम एक्सपेंडिचर में 2,90,000 का खर्चा और ले जाओ, बात खत्म। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखो क्या चीज लिखोगे, मेडिसिंस कंज्यूम्ड, बस खत्म भाई बात। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट। अब आपके पास पेमेंट साइड पे चल रहे हो, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स कितना कितना खर्चा है, 1,00,000 रुपए का, और इसके लिए कुछ दिया भी नहीं है, तो बस इसको आप क्लोज करो टू ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स। एक लाख रुपए सैलरीज 2,80,000 की है, लेकिन सैलरी के लिए कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दी है आपको, चेक कर लो। पेमेंट की है आपने 2,80,000 की, तो इसके लिए तो कुछ दिया नहीं है, तो 2,80,000 रुपए ये लो जी 2,80,000 रुपए का खर्चा भी आ गया सैलरी का। इसके बाद देखो नेक्स्ट,
सन्ड्री एक्सपेंसेस, सर इसके लिए भी कुछ नहीं कहा, तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट आएगा इसका 10,000। फिर है इक्विपमेंट परचेज। अब हाँ, इक्विपमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, इक्विपमेंट के लिए मैं देखो एक अकाउंट बना देता हूँ, फिर वर्किंग कर लेंगे इसकी। यहाँ इक्विपमेंट, सर इक्विपमेंट के लिए सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंस चेक करो, 2,10,000। क्लोजिंग बैलेंस 3,00,000। फिर इक्विपमेंट 1,50,000 के परचेज भी किए हैं इक्विपमेंट के लिए, देखो तो टू कैश 1,50,000 बस, और कुछ नहीं दिया इसमें। तो आप देखो 3,60,000, 3,60,000 यहां भी टोटल करो, अब डिफरेंस कितना आ गया 60,000 रुपये। ये क्या चीज है भाई, 3,60,000 का बैलेंस होना चाहिए, 3,50,000 बाकी का डेप्रिशिएट हो गया। तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेप्रिसिएशन। तो अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना इक्विपमेंट लिखोगे, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो इसमें इक्विपमेंट लिखो कितना, 3,00,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट चला जाएगा 3,00,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन हमने अभी निकाला 60,000 रुपये, ये इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओ। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 60,000 रुपये, खत्म बस। अब चैरिटी शो एक्सपेंस 15,000 रुपये जो दे रखा था वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसका कुछ नहीं करना। अब नीचे जो पॉइंट्स दे रखे थे बस एक बार उन्हें चेक कर लो, क्वेश्चन खत्म। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में पूरी तरह पढ़ चुका हूँ, एक एक आइटम कर लिया। अब उसके नीचे देखो सब्सक्रिप्शन हो चुका, सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया, अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई ये भी हो चुका, वैल्यू इक्विपमेंट हो गया, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अभी नहीं हुआ, 5,00,000 से 4,80,000 की वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है। इसका मतलब आप बिल्डिंग के लिए सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू लिखो कितनी, 4,80,000। बिल्डिंग 4,80,000, लेकिन इसका जो डेप्रिसिएशन है, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वो आ जाएगा 20,000 रुपये। बीस हजार समझ में आया कैसे, 5,00,000 माइनस 4,80,000। चलो बिल्डिंग के बाद कैश का बैलेंस, तो सर कैश का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है 90,000, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस 90,000। ओपनिंग कैपिटल फंड, तो ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, कैपिटल फंड ये हेडिंग डाल के इसमें आप लिखो ओपनिंग 18,03,000। हो गया सारा पॉइंट। अब आप इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज कर सकते हो। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर, चलो जी क्रेडिट साइड का सबसे पहले आप टोटल लगाओ,
ये आता है 8,62,000। आ रहा है आपका भी टोटल 8,62,000, 8,62,000। अब इसमें से आप माइनस करो डेबिट 2,90,000 माइनस 1,00,000 माइनस 2,80,000 माइनस 10,000 60,000 माइनस 20,000 तो मेरा आया यहां पर 1,02,000। आ गया आपका भी, ये कहलाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और ये जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है इसको आप ले जाकर के ऐड कर दो कैपिटल फंड में सरप्लस के नाम से 1,02,000। तो ये आ गया 19,05,000। अब आप टोटल लगा दो बैलेंस शीट टोटल और क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट 7,000। आप भी टोटल चेक कर लो 31 प्लस 19,05,000 तो मेरा टोटल आ रहा है 20,42,000 एसेट्स का लाइबिलिटीज का। आप कैपिटल एसेट्स का जो है टोटल लगा है 22,000 प्लस 10,00,000 20,42,000। और ये आपका क्वेश्चन यहाँ होता है कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको, ओके।